वरिष्ठ विश्लेषक आदरणीय रामबहादुर राय जी, आज के कार्यक्रम के अन्यतम अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान गांधी प्रतिष्ठान और गांधी दर्शन गांधी स्मृति अनुष्ठान के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधर हम सभी को इकट्ठा करने की जिन्होंने वीड़ा उठाई, अयोध्या की लोकप्रिय जननेता मेरे बड़े भाई आदरणीय लल्लू सिंह जी, गांधी स्मृति समिति के माननीय दीपांकर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभव माताएं, युवा साथीगण, पत्रकार मित्रगण, सबसे पहले मैं इस अयोध्या पर्व की समापन समारोह में आमंत्रित होने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए आयोजक समिति ने, विशेष करके आदरणीय लल्लू सिंह जी ने, राम बहादुर राय जी ने सिर्फ कहा कि आप कुछ भी एजेंडा बनाओ, चलती तो राम की इच्छा से और हमारे लिए तो लल्लू भाई ही हमको जो आदेश देते हैं हम उसी में चलते हैं। लल्लू भाई के आदेश से हम यहाँ आए। मैंने कहा लल्लू भाई अयोध्या पर्व अयोध्या में होगा क्या, वहीं जाना पड़ेगा, हमारा एक ड्यू बाकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दिल्ली में हम करेंगे और लगातार पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं और इस बार भी करेंगे। और संयोग उत्तर प्रदेश की चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश संबंधित कोई पहला कार्यक्रम में मैं आया तो अयोध्या पर्व में आया और राम की काम पे आया और मेरे प्रियजनों के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। मित्रों, मैं कुछ साल पहले थाईलैंड गया था। थाईलैंड एक आज के दिनों में उसकी राज्य धर्म है बुद्धिज्म। हम रास्ते में घूम रहे थे, एक जगह पे बोर्ड पे लिखा था रामा द किंग। तो मेरे मन में स्वाभाविक जिज्ञासा आया, मैंने एम्बेसी के मेरे जो मित्र थे मैं उनको पूछा ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में राजा की पर्यायवाची नाम है राम, राजा को किंग को वहां राम कहा जाता है, यानी राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये एक तत्व है, ये एक परंपरा है। फिर वहां की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हम घूमे तो मेरे मन में था बुद्ध भी हमारी है, उनकी जो अभी हितोपदेश की बात हो रही थी, अच्छे अच्छे दर्शन को सामान्य जन की लोक कथा की भाषा में समझाने की बातों को हितोपदेश कहा जाता है। जन जन जिसको अपने मन में बिठा पाए, समझ पाए। तो ऐसे ही बुद्धिज्म जब पहुंची वहां, बुद्धिज्म की जो मूल तत्व रहा सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, ये सारे को वर्णन करते हुए वहां की जो बौद्ध प्रचारक गए होंगे, बुद्ध को समझाने के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया था, वो एक प्रदर्शनी नुमा उनकी मोनेस्ट्री में लगा था। उसको मैं देख रहा था और वहां का जो बौद्ध व्यवस्था के प्रमुख थे, मेरे मन में फिर वहां जिज्ञासा आया, तो आप तो रामायण की कहानी दिखा रहे हो मेरे को, पराई तो है, बुद्ध तो ही है। दुनिया में बुद्ध को भी बुद्ध की अनुजाइयों ने राम को समझाते हुए ही समझाया है, रामायण को समझाते हुए ही समझाया है। मैं
हमारे मार्गदर्शक राय साहब ने मेरे को बड़ा जिम्मेवारी दिया और मेरे को एक प्रकार से आदेश दिया, ठीक से पढ़ो, शिक्षा मंत्री हो, भारत की जन जीवन को, भारत की सामूहिक शिक्षा प्रणाली को ठीक से अनुध्यान करो और पढ़ो। मित्रों, भारत की सामाजिक जीवन में राम के बारे में कोई कोर्स तो है नहीं। माने कुछ विद्यार्थी आगे बढ़ के फिजिक्स में अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं, लॉ में अच्छा करते हैं, सामाजिक विज्ञान में अच्छा करते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब में अच्छा करते हैं, उनकी कोर्स है। एक निर्दिष्ट कक्षा से सामान्य पढ़ाई के उपरांत उसको विशेषज्ञता की ओर लिया जाता है। मैं बचपन से इतिहास और संस्कृति की अनुजाई रहा हूँ, अनुरक्त रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ, और संयोग से आज भारत की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। मैं अभी तक भारत की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, इसकी बाहर जो सामान्य जन रहता है, इसकी बाहर बहुत बड़ा तबका है जो स्कूल कॉलेज में आने की जिनकी नसीब में नहीं है, लेकिन उनको भी कभी हम कुछ पूछते हैं, कुछ गपशप करते हैं, वो अनर्गल कम से कम एक आधा घंटा रामायण के बारे में समझा सकता है, वनवास के बारे में समझा सकता है, सीता की समर्पण के बारे में समझा सकता है, लंका कांड के बारे में समझा सकता है, हनुमान की बल के बारे में समझा सकता है, हनुमान की गंधवर्धन पर्वत को उठा के ले जाने के बारे में समझा सकता है, विशल्यकर्णी के बारे में समझा सकता है। मित्रों, ये सारे में भारत की जीवन व्यवस्था जुड़ी हुई है। व्यक्ति सुबह से उठ के ही राम राम कहता है, दुआ सलाम नमस्कार ये तो बाद में आई होगी, इस सभ्यता की शुरू में ही जो संस्कार, संबोधन, भाव की आदान प्रदान, इसीलिए कहा गया है अभी राय साहब के द्वारा कि हिंदी के विपरीत शब्द, मैं गैर हिंदी वाला हूं इसलिए कभी कभी मेरा शब्द संयोजना में त्रुटि हो जाती है, हिंदी से परे, विपरीत हिंदी से परे भी अवधी भाषा में कुछ भावार्थ है जो राम के बारे में सटीक वर्णन करता है। राम को अपने अपने तरीके से भारत की सभी इलाका में, भारत में कोई गांव नहीं रहेगा, दक्षिण से रामानुज से लेके उत्तर की राम प्रसाद तक, पश्चिम की रामजी भाई से लेके पूर्व की रामचंद्र तक कोई गांव नहीं रहेगा जिसमें राम के नाम की 2, 5, 10 लोग नहीं होंगे, लक्ष्मण नहीं होंगे, सीता नहीं होंगे, हनुमान जी नहीं होंगे। अभी तो मैं पूरब में कभी हनुमान की इतनी प्रचलन नहीं होती थी, मैं अभी उड़ीसा जाके आया, मैं तो मेरे मन में बड़ा विश्वास जन्मा, मेरे मन में थोड़ा उत्साह भी भरा। अभी अभी हनुमान जयंती समाप्त हुई है 2-4 दिन पहले, एक नया क्रांति जैसा पूरा भारत में आ गई है, हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की जन्मदिन पर शोभा यात्रा, और विशेष करके नौजवानों में कोई संगठन उसके पीछे नहीं है, उसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, राम के नाम पे इतनी ताकत है, और राम के जन्मस्थान पे कितनी ताकत नहीं होगा, अयोध्या हुई है। भारत के जीवन प्रवाह में, ये केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के जीवन प्रवाह में, हमें दुनिया में जब प्राचीन सभ्यताओं को, मैं अभी शिक्षा विभाग की काम संभालने के बाद थोड़ा बहुत और कुछ चीजों को गहराई से समझने का कोशिश किया, विद्यार्थी के नाते समझना कोशिश किया, फिर हमारे देश में जो अभी कि हम पाठ्य पुस्तक स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेष करके पुस्तक की जो कथा कहानी उदाहरण देते हैं उसमें
कोशिश किया गया कुछ मित्रों के योजना से कि इसको एक कालखंड से ही समझाया जाए, जैसे दुनिया ईसा पूर्व में भारत में कुछ था ही नहीं और ईसा ईस्वी के बाद, अरे अभी की जो इतिहास हम पढ़ते हैं, जैसे मुगल पीरियड के पहले तो इतिहास सीमित ही था होगा, कोई शायद कभी कभी तो यह भी लिखा गया साफ सपेरों की यह देश था, जादू टोना वालों की यह देश था, ऐसे वर्णन है। लेकिन मित्रों आप थोड़ा कल्पना करिए, कोई भी सभ्यता जिसमें अभी भी आप रामायण को पढ़ो, हनुमान चालीसा को पढ़ो, गीता की भावार्थ को जीवन के साथ जोड़ने का कोशिश करो, या मर्यादा पुरुषोत्तम की चरित्र को अकेले में थोड़ा समीक्षा करो, वो आज भी कितना कॉन्टेम्प्ररी लगता है। ये जैसे अभी की घटना है, मेरे घर की घटना है, मेरे इलाका की घटना है, यही तो होता था, डिलेमा तो ऐसे ही आती है, आज भी लगता है। आप सोचिए कितना फ्यूचरिस्टिक, कितना जड़ से जुड़ी हुई, कितना व्यक्ति की अनुभवों की एक पिसाई से जो चीज निकला है वही हमारी सभ्यता की रामायण और महाभारत है। ये सारे के इतिहास की अगर आयु हम गिनते हैं तो ये 5-7-8 हजार वर्षों तक जाती है, और आज की तथा कथित आधुनिक समय की विशेषज्ञों ने एक प्रश्न पूछते हैं कि इसकी वैज्ञानिक तथ्य क्या है। मैंने मेरे विभाग के कुछ मित्रों को यह काम दिया है, अपेक्षा रखा है, चलिए थोड़ा उसकी वैज्ञानिक तथ्य और प्रमाण की, ऐसे तो है ही कोई चीजों को नया करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा बकायदा पटरी पे लाना पड़ेगा, उसकी विरासत को, हमारी विरासत को थोड़ा सामने लाना पड़ेगा। मित्रों मैं इसको करते करते कभी सोच रहा था शायद ये अकेले की व्यवस्थापन चलाने वाले सरकारों की काम नहीं है, हो भी नहीं सकता है। अगर सरकार कहीं कहीं दुनिया में सोचा है कि मैं समाज को ऐसे ही चलाऊंगा, वो सरकारें बदल गए हैं।